Hey guys, welcome to Quantwiz. ये profit and loss का fourth and final part है, ठीक है? तो इसमें जो बचे हुए type के questions थे हमारे, वो solve करेंगे हम, ठीक है? Last तीन video में हमने different types के question देखे थे profit and loss में जो आते हैं SSC CGL और बाकी SSC related exams में, ठीक है? तो आज उसके आगे continue करेंगे. देखिए एक question दिया है आपको. A man bought a chair and a table for 4,000 rupees. He sold the chair at a gain of 10% and table at a loss of 5%. He gained 1% on his whole transaction. The cost price of table and chair is. देखिए, एक आदमी ने एक chair और एक table खरीदा, ठीक है, 4,000 रुपए में. उसने अब उसी chair और table को chair को बेचा 10% gain में, ठीक है, और table को बेच दिया 5% loss पे. और total transaction में उसको 1% का गेन हुआ है, ठीक है? तो अब उन दोनों का टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस और बताओ, ठीक है? देखिए इसको सॉल्व करने के एक तो आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, x मान के, ठीक है, टेबल का x मान लो, चेयर का y मान लो, ठीक है? तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, वैसे सॉल्व करो. लेकिन देखिए अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले मिक्सचर और एलिगेशन की वीडियो जाके देख ले, ठीक है, मैंने जो डाल रखी है. जिन्होंने पढ़ा है तो वो मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है. मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है, किसी भी अगर आपने जैसे कोई आपके पास चावल खरीदे आपने, ठीक है, दो तरह के चावल खरीदे, उनको मिक्स किया, ठीक है, तो नए जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है, उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, ठीक है. ये कंसेप्ट बेसिकली मिक्सचर एलिगेशन का होता है कि अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी दो ऑब्जेक्ट या कुछ भी किसी भी चीज मिलाते हो, मिक्स करते हो, ठीक है, जो दो जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका लॉस क्या है, मतलब किसी भी कंसेप्ट को किसी भी टॉपिक पे उसको लगा सकते हैं हम, ठीक है. जैसे कि ये दिया है हमको चेयर और कुर्सी, ठीक है. अब देखिए हमारे पास चेयर है, एक कुर्सी है, यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक चेयर है, सॉरी एक टेबल है, तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है. इनको अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि एक को 10% गेन पे बेच रहा है, एक को 5% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है. पर इनको दोनों को बेचने से उसको मिला के, यानी इन दोनों को मिला के उसको टोटल 1% का गेन हो रहा है. तो यानी कि एक तरह से क्या मिक्सचर हो गया, ठीक है. दो उसके पास ऑब्जेक्ट थे, उनको बेचा उसने और टोटल ट्रांजेक्शन पे उसको 1% का गेन हो गया, ठीक है. तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे. तो मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाते हैं, देखिए चेयर पे 10% का गेन हो रहा है और टेबल पे 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और टोटल में उसको 1% का गेन हो रहा है, ठीक है. तो यहां तक हो गया, तो उसके बाद क्या सीधा सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, तो -5 -6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया और 10 -1 9 आ गया, ठीक है. तो यानी कि ये क्या होता है, ये दोनों क्या है, 6 और 9 या 1:3, ये उन दोनों के कॉस्ट प्राइस के रेशियो हैं, ठीक है, 6 और 9, ठीक है. इन दोनों को फिर फर्दर अगर आगे काटोगे तो 2 और 3 आ जाएगा, सॉरी 1:3 नहीं, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9. तो यानी दोनों कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया हमारा, 2:3, यानी कि चेयर का कॉस्ट प्राइस है हमारा ये और टेबल का कॉस्ट प्राइस है 2:3 के रेशियो, ठीक है, चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस 2:3 के रेशियो में, ठीक है. अब टोटल हमको दे रखा है उन्होंने, दोनों का मिला के कितना है, 4,000, ठीक है, और उसने दोनों का अलग अलग पूछा है, ठीक है. तो 4,000 अगर टोटल है तो 5 + 3 + 2 = 5x = 4,000 हो गया, ठीक है, ठीक है. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 आ जाएगी, 800 सॉरी, तो 800 x की वैल्यू आ गई. तो यानी चेयर का प्राइस क्या हो गया, x 2x, यानी 1600, और टेबल का प्राइस क्या हो गया, 3x, यानी 2400, ठीक है. से ये भी यहाँ भी ऐसे ही किया है, यहाँ पे 9 + 6 = 15 यूनिट्स इज इक्वल टू 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 800/3, तो यहाँ पे 6 और 9 के रेशियो में है, तो यानी चेयर का प्राइस क्या हो गया, 6 यूनिट, यानी कि 6 × 800/3, यानी कि 1600, और इसका क्या हो गया, 9 × 800/3, यानी कि 2400. तो चेयर का प्राइस आ गया हमारा 1600, ठीक है, और टेबल का प्राइस क्या आएगा, 1600 और टेबल का प्राइस 2400, ठीक है, 2400, दोनों का सम आ गया 4000, ठीक है. सम तो हमको दिया ही हुआ है,
4000, ठीक है। अब अगर आगे भी पूछ लेता कि चेयर को कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर बताओ, तो ये सिंपल ऐसे कर सकते हो आप, 10% ऑफ 1600 क्या होता है, 160, तो यानी कि इसमें ऐड कर दो। सिमिलरली अगर इसका निकालना है तो 5% लॉस पे बेचा, यानी कि 5% क्या होता है 2400 का, 10% होता है 240, तो 5% क्या हो गया उसका आधा, यानी 120, तो 2400 में से 120 माइनस करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पूछे मिक्सचर एलिगेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस का इशू होता है, ठीक है। ये जो उनका प्रॉफिट और लॉस होगा, ये टोटल प्रॉफिट और गेन, लॉस और गेन जो भी दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पे टोटल होगा, और ये जो नीचे आएगा ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा उसका ही फर्दर एक्सटेंशन है, जो भी अभी हमने सोल्व किया है, ठीक है। ये भी हम मिक्सचर एलिगेशन सोल्व करेंगे, हालांकि ये कन्वेंशनल मेथड से भी हो सकता है। ए मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ 12 पर पेन, एक एक उसने 150 पेन खरीदे हैं और पर पेन का रेट क्या है, 12 रुपए, ठीक है। ही सोल्ड 50 पेन्स एट अ गेन ऑफ 10%, और ही द और उसने पूछा कि अब जो बचे हुए पेन है, यानी 100 पेन उसके बचे हैं, उनको कितने परसेंट लॉस पे बेचे या गेन पे बेचे, ठीक है, तो ताकि उसको टोटल 15% का, टोटल पे 15% का गेन हो, ठीक है। यहाँ पे उसने गेन ही पूछा है, तो हम गेन पे ही बेचेंगे, ठीक है। लॉस तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर इसमें 10% हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, ये जो बीच में होता है, जो इनका टोटल होता है, ये हमेशा इन दोनों का इंटरमीडिएट कहीं होगा, देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 है तो यहाँ 10 है, तो ये हमेशा 15 से बड़ा ही होगा, तभी इन दोनों का मिक्स करके 15 आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ माइनस होगा, तो वो तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर एक 10% पे बेच रहा है, दूसरा माइनस कितने पे लॉस पे बेच रहा है, तो कभी भी उसको टोटल पे गेन नहीं हो सकता इतना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप कि ये इसमें क्वेश्चन में तो खैर उसने बोल ही रखा है कि द गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस ही लेंगे, तो अगर लॉस बोला होता तो माइनस लेते, ठीक है। यहाँ पे गेन बोला हुआ है तो प्लस एक्स लेंगे, ठीक है। सिमिलरली वही मेथड लगाओ मिक्सचर एलिगेशन का, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 15, और ये हो जाएगा 15 माइनस 10, यानी 5। तो यानी दो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया हमारा, एक्स माइनस 15 और 5, ठीक है। अब उन दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, देखिए हर एक पेन का कॉस्ट प्राइस तो है 12 रुपए, ठीक है। तो पेन का कॉस्ट प्राइस तो 12 रुपए ही है एक पेन का, ठीक है। तो उन दोनों 50 पेन और 100 पेन का कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, 50 × 12 / 100 × 12, ठीक है। तो 12 से 12 तो कट जाएगा, तो 50 और 100 के रेशियो में होगा इनका कॉस्ट प्राइस, तो यानी 1:2, ठीक है। क्योंकि हर एक पेन का 12 रुपए है, तो 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। ये 50 पेन है, ये 100 पेन है, तो यहाँ पे आएगा 1/2, यानी 50/100, 15 × 12 / 100 × 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो 17.5%, यानी कि 50%, 50 पेन अगर वो 10% गेन पे बेच रहा है, तो बाकी के 100% उसको, 100 पेन उसको 17.5% के गेन पे बेचने होंगे, ताकि उसको टोटल में 15% का गेन हो, ठीक है। इसको आप कन्वेंशनली भी सोल्व कर सकते थे, जैसे कि एक पेन का रेट 12 रुपए है, ठीक है, तो 50 पेन का क्या होगा 600, तो बचे हुए 100, टोटल 150 पेन का निकालो पहले, तो 150 पेन का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15 × 12 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1800, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। 50 पेन का कितना होगा 10% के गेन पे, ठीक है। तो वैसे निकाल सकते हो 50 × 12, उसका 10% ऐड कर दो, ठीक है। पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे निकालोगे आप कन्वेंशनल मेथड से, तो कैलकुलेशन में भी गलती कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिक्सचर एलिगेशन का यूज करो, इसमें देखिए मिस्टेक के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इतनी हाई कैलकुलेशन तो नहीं है इसमें, आपको सिंपल बस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, उसमें कर सकते हो, वो भी तरीका तो वो भी ठीक है, पर उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। 10% निकालो, किसी का 5% निकालो, ठीक है। तो प्रिफर करो, आपको सजेस्ट करूंगा यही यूज करो, ठीक है। दो लाइन में इसी से सोल्व हो जाएगा आपका इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा। देखिए ये एसएससी टीयर 1 2012 में प्री में आया हुआ है, ठीक है। टीयर 1 में वही क्वेश्चन है जैसे अभी सोल्व किया, वैसा ही थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए रमेश ने 10 साइकिल खरीदी, हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, ठीक है। अब उसने 5 बेच दी 750 रुपए में, बाकी की जो बची, यानी कि बाकी की जो 5 बचेंगी ना, 10 में से 5 निकाल दे, तो 5 बची, उनको बेचा 550 रुपए
ईच पे, ठीक है, पांच को बेचा उसने 750 रुपये में पर साइकिल, ठीक है, और बाकी की जो पांच बची है उनको 550 रुपये पर साइकिल पे, ठीक है। अब उसने पूछा टोटल गेन और लॉस बताओ क्या हुआ इसको टोटल पे। अब देखिए वही कंसेप्ट वही है जो जो अभी तक करते आए हैं। इसमें क्या है कि पहले उसको बोल देता था कि भाई पहली पांच उसने इतने परसेंट पे बेची गेन पे, पर यहाँ पे इसको इसने यहाँ पे इसने आपको बोल रखा है कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दे दिया आपको, ठीक है। अब जैसे 750 रुपये है और एक का कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस 750 है तो कितने का गेन हो रहा है। पहली पांच साइकिल बेचने में 250 रुपये का गेन हो रहा है, तो 250 रुपये 500 का कितने परसेंट होता है, 50%। तो यानी पहली पांच साइकिल वो 50% गेन पे बेच रहा है। सिमिलरली दूसरी पांच साइकिल वो 550 रुपये में बेच रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस क्या है 550, यानी 50 रुपये का पर साइकिल पे गेन हो रहा है। तो 50 500 का कितने परसेंट होता है, 10%। तो बाकी की जो पांच साइकिल है वो 10% गेन पे बेच रहा है, ठीक है। तो यहां तक आ गया तो सिंपल फिर वही मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, ये होगा x माइनस 10, ये होगा 50 माइनस x, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, देखिए वही जो अभी किया था हमने, हर एक साइकिल का प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। तो पहली पांच साइकिल का प्राइस क्या होगा 500 × 5, दूसरी पांच साइकिल का प्राइस क्या हो जाएगा 500 × कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस है, 500 × 5, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1, क्योंकि दोनों पांच पांच साइकिल हैं, ठीक है। अगर इसको आसानी आसानी याद रखना है कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होना साइकिल का, तो उनके जो नंबर ऑफ आइटम्स जो बेच रहा है अलग अलग प्रॉफिट और लॉस पे, उनके रेशियो में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे पांच और पांच साइकिल बेच रहा है ना, पहले पांच फिर बाकी की बची हुई पांच, यानी कि 1:1 के रेशियो में होगा। अगर वो 4 और 6 बेच रहा होता, यानी कि पहले 4 और बाद में 6 साइकिल बेच रहा होता, तो 2:3 के रेशियो में उनका कॉस्ट प्राइस होता, ठीक है। क्योंकि जो ये कॉस्ट प्राइस है ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे पांच और पांच में बेच रहा है, यानी पहले पांच साइकिल बाद में पांच साइकिल, तो जो रेशियो होगा उनके कॉस्ट प्राइस का वो 1:1 होगा, यानी कि x माइनस 10 इज इक्वल टू 50 माइनस x, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका परसेंटेज हो जाएगा टोटल 30%, यानी कि अगर वो पहली पांच साइकिल 750 रुपये में बेचेगा पर साइकिल और अगली पांच साइकिल वो 550 रुपये पर साइकिल में बेचेगा, तो उसको टोटल में 30% का गेन होगा, ठीक है। 30% का गेन होगा। अगर वो रुपए में पूछ ले कितने रुपए का गेन होगा, तो 30% का गेन यानी कि पर साइकिल का प्राइस है 500 रुपये, तो 500 रुपये का 30% क्या होता है 150 रुपये, ठीक है। 10% होगा हमेशा 50 रुपये, तो उसका 3 टाइम्स कर दो तो 150 रुपये, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 10 साइकिल है हमारे पास टोटल। तो यानी 150 × 1500 रुपये का आपको टोटल गेन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन है ना, तो आपको थोड़ा अपने ही उसमें, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता आपको, तो यहाँ पे तो देखने से ही पता चल रहा है 750 रुपये है और 500 रुपये है, तो ये उसका 50% है, ये उसका 10% है गेन पे बेच रहा है, तो ठीक है। तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है, आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। इसमें भी आप सिंपल कन्वेंशनल मेथड भी लगा सकते हो कि पहले 10 साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है 5000 रुपये, ठीक है। पहली पांच बेची कितने पे 750 ईच पे, तो उनको 750 × 5 करो, तो मल्टीप्लाई करने में आप गलती कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी सोल्व तो हो ही जाएगा, पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन बड़ा करोगे, तो इससे अच्छा है इसी तरह इसी मेथड से सोल्व करो, तो जो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक के है वो कम हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये इस तरह के ये तीन टाइप के क्वेश्चन है जो इसी मिक्सचर एलिगेशन बेस पे हो जाएंगे, तो मैंने आपको तीनों करा दिए, ठीक है। एक तो जब आपको पहले ही दिया हो कॉस्ट कितने परसेंटेज पे बेच रहा है, ठीक है, लॉस और गेन पे, ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपको टोटल गेन दिया हुआ था, ठीक है, और इनमें से एक नहीं दिया हुआ था, यानी कि पहली पांच साइकिल वो इतने में बेच रहा है, दूसरी पांच साइकिल हमने फाइंड करना था प्रॉफिट और लॉस कितने में बेच रहा है, ठीक है। तो वो भी निकाल सकते हो आप मिक्सचर एलिगेशन से। इसमें क्या है, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है, बल्कि इसने आपको प्राइस दे दिया है, ठीक है, हर एक सेलिंग प्राइस दे दिया है, तो ये आप देख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो थोड़ा इजी डाटा था, अगर थोड़ा टफ भी दे देता तो आप इजीली सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि कितने परसेंटेज पे गेन या लो कितने गेन और लॉस पे बेच रहा है वो, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये तीनों आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर तीनों में से कोई भी दे दे तो आप मिक्सचर एलिगेशन लगा के सोल्व कर सकते हो, टाइम बचेगा आपका उसमें, ठीक है।
आंसर कन्वेंशनल मेथड से भी आ जाएगा, पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। देखिए फाइनल क्वेश्चन है ये, बुक सेलर बॉट 200 बुक्स ठीक है फॉर 12,000 रुपीज, ही वॉन्टेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गॉट 20 बुक्स फॉर फ्री, एट वट प्राइस एट वट प्रॉफिट शुड ही सेल देम। देखा एक बुक सेलर ने 200 बुक्स खरीदी ठीक है, उसके बाद 200 बुक्स है 12,000 रुपये में खरीदी, अब वो उनको सेल करना चाहता है ताकि उसको जो 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है ना, यानी कि 20 बुक्स उसको फ्री में मिल जाए, इसका मतलब क्या है उसको जो प्रॉफिट हो वो 20 बुक्स का प्रॉफिट हो ठीक है। अब कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे वो बेचे, देखिए इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, फिर आपको समझाऊंगा कैसे आया वो। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया हो आपको ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉफिट पूछा है उसने कितने प्रॉफिट में बेचा, अगर लॉस भी पूछा होता तो लॉस भी बता सकते थे आप। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको 20 बुक्स का प्रॉफिट हो रहा है या 4 बुक्स का प्रॉफिट हो रहा है या 40 बुक का ठीक है, और टोटल बुक्स भी दी हो कि कितनी बुक्स है आपके पास, तो उसका आंसर निकालने का बेस्ट तरीका है जितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 बुक्स का प्रॉफिट या लॉस होता है, लॉस भी इसी तरह निकाल सकते हैं आप, मैं बताऊंगा अभी आपको सोल्व करके, डिवाइडेड बाय जितनी आप बुक्स बेच रहे हो, यानी कि 200 बुक्स बेच रहे हो आप, यानी सेलिंग बाय सेलिंग 200 बुक्स ठीक है, तो 20/200 × 100 10% का गेन हो जाएगा ठीक है। अब देखते कैसे आया, ये याद रखो तो जल्दी आंसर निकल जाएगा आपका ठीक है। तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, जितने का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ठीक है, डिवाइड बाय जितनी बुक्स बेच रहे हो आप, जितने ऑब्जेक्ट्स बेच रहे हो, आर्टिकल बुक्स कुछ भी हो ठीक है। देखिए अब कैसे आया, अगर आपको आपके पास 200 बुक है ठीक है, आपको 200 बुक्स बेचनी है, पर इस तरह से बेचनी है कि ताकि आपको 200 बुक्स बेचने के बाद आपको 20 बुक का प्रॉफिट हो, यानी 20 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है उतना आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो इसके कहने का यही मतलब है बाय सेलिंग 200 बुक्स उसको 20 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसका प्रॉफिट बन जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 220 बुक्स ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यानी कि 200 बुक्स बेचने पर उसको 20 बुक्स का लाभ हो ठीक है, 200 बुक्स बेचने पर 20 बुक का लाभ हो, यानी कि वो कब होगा जब 200 बुक्स का सेलिंग प्राइस 220 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा ठीक है, तभी जो 20 बुक्स बचेंगी वो उसका प्रॉफिट होगा ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे प्रॉफिट है यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बुक्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बुक्स डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बुक्स क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 220 बुक्स ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बुक्स ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 20 बुक्स डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बुक्स तो ठीक है, तो सी से सी कट जाएगा तो ये बचेगा क्या 10, यानी कि 10% आपका प्रॉफिट हो गया ठीक है। इसी में अगर आपको बोल देता कि ताकि उसको 20 बुक्स का लॉस हो, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना था, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 180 बुक्स, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस में चले जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 180 बुक्स, यानी कि वो 200 बुक्स बेच रहा है कितने उसमें उसके जो 180 बुक्स के कॉस्ट प्राइस पे ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर करना था, यहाँ पे 200 बुक्स प्लस 20 बुक्स प्लस की थी हमने, वहां पे 20 बुक्स माइनस कर दो 180 वो आ जाता कॉस्ट प्राइस ऑफ 180 बुक्स ठीक है। तो फर्दर सोल्व करते हैं तो भी आंसर आपका यही आता 10%, पर वो लॉस में आता, यहाँ प्रॉफिट आया है ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है ये ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर मैंने अपनी तरफ से तो जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे प्रॉफिट एंड लॉस में वो करा दिए ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल दे अपने जो भी प्रॉब्लम है ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।